हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पेट्स कैफे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजीज के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, बजीज दुनिया में सबसे ज़्यादा पालने वाला बर्ड्स है। ये बर्ड सबसे ज़्यादा दुनिया में पाला जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। कई रंगों में पाया जाता है। इसका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया का मेन रहने वाला। तो दोस्तों, जो भी लोग बर्ड्स पालने की शुरुआत करते हैं वो ज़्यादातर बजीज पैरट से ही पालने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता और इसके रखने में भी आसानी होती है। ये छोटा बर्ड्स होता है, इसे रख रखाव में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। ये छोटे से केज में भी रह लेंगे, ब्रीडिंग भी कर लेंगे और खाने पीने में भी ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो इससे ज़्यादातर लोग पालने की शुरुआत करते हैं। इससे आप पाल के इनके बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी बर्ड्स के बारे में, वैसे वैसे आप बड़े बर्ड्स या कॉस्टली बर्ड्स लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग बर्ड्स लेके आते हैं तो उनको मकसद होता है कि कम से कम ये ब्रीडिंग करें। तो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि एक मेल और फीमेल हो। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा बर्ड्स मेल है, कौन सा बजीज मेल है और कौन सा बजीज फीमेल है? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फोटो एक शो कर रहा हूँ। इस पर नाक के ऊपर जिसका डार्क ब्लू होता है, जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये मेल होता है, और जिनका लाइट ब्लू या फिर ब्लू नहीं होता वो फीमेल होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इस टॉपिक पर लेके आएंगे कि बजीज को क्या खिलाना चाहिए जिससे वो सही रहे। तो पार्ट टू जो आएगा इसका, उसमें हम बताएंगे कि बजीज को क्या खिलाना चाहिए जिससे वो अच्छे रहें।